अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जिस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज का व्लॉग जो है वो मैंने मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट कर दिया था। बस यहाँ पे जी मैंने जल्दी से अपने लिए चाय बनाई है और मैं यहाँ पे करूँगी नाश्ता। आज नाश्ते में जो है मैं ब्रेड और मक्खन और जैम ये लूँगी। और बस जल्दी से करते हैं नाश्ता और फिर नाश्ता करने के बाद जो है आज मैंने जाना है वैक्सीन लगवाने। तो जिन्ना हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने गई थी, इतनी रश तो नहीं थी, वैक्सीन तो जी जल्दी लग गई थी। उसके बाद जो कार्ड की एंट्री करवाते हैं उसमें काफ़ी जो है लंबी लाइन थी, तो मुझे फिर लाइन में खड़ा होकर एंट्री करवानी पड़ी। तो वो तकरीबन जो है 15-20 मिनट मुझे लग गए थे एंट्री करवाने में। बाकी जो है लगवाने में बिल्कुल भी रश नहीं थी। आप भी जाके जिन्ना हॉस्पिटल से आराम से जो है वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो जी मैं वैक्सीन लगवा के वापस आ गई थी और वही रोज़ के काम। यहाँ पे जी मैं जल्दी से बाबा के जो है वो कपड़े प्रेस कर लूँगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था मैं एक साथ जो है वो दो तीन जो सूट होते हैं उनको प्रेस करके हैंग कर देती हूँ। और आजकल जो है कराची में गर्मी भी बहुत है और इतना गर्म मौसम है। तो मैं यहाँ पे आपको कराची की गर्मी के बारे में बता रही थी कि तकरीबन 2-3 दिन से कराची में इतनी गर्मी है, इतनी शदीद वाली गर्मी है कि हम लोग जो हैं वो तंग हो गए हैं कि बस कराची से कहीं जो है वो भाग के ना कहीं और दूसरे शहर चले जाएं। बहुत गर्म मौसम है और पसीना जो है वो तो खुश्क ही नहीं हो रहा। मतलब आपकी जो शर्ट आपने पहनी हुई है वो फुल टाइम जो है वो गीली, पसीने से गीली हुई हुई है, वो खुश्क ही नहीं हो रही। इतनी गर्मी है, इतनी हीट है, पंखे के नीचे भी बहुत गर्मी है। तो बस आप सब लोग दुआ करें कि कराची का मौसम जो है वो अच्छा हो जाए। और बारिश भी होती है, तक बारिश 5-10 सेकंड के लिए बारिश होती है, पर उससे जो है बारिश के बाद ना और जो है हब्स हो जाती है और मौसम जो है ख़राब हो जाता है। तो बस जी आप सब लोग दुआ करें कि कराची का मौसम जो है वो अच्छा हो जाए। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में वही जी मैं जल्दी से यहाँ पे आटा गूंदूंगी और साथ ही खाना बनाऊँगी, साथ ही रोटियाँ बनाऊँगी और हम लोग खाएँगे खाना। तो बस ये जी दोपहर की रूटीन है। चाय का टाइम हो गया है और चाय में ना मुझे और अरबाज को इतनी क्रेविंग होती है कि साथ ना चाय के ऐसे पापड़ हों या लेस हों, कुछ चाय के साथ ना कोई अच्छी सी चीज़ हो। इतनी हम दो, मुझे और अरबाज को बहुत जो है वो ज़्यादा क्रेविंग होती है कि बस चाय भी बनानी है और साथ कुछ अच्छा भी बना के खाना है। तो बस यहाँ पे जी मामा जो है वो पोटैटो चिप्स ये कुछ होते हैं पापड़ ये ले आई थी। तो फिर हमने साथ, मैंने अरबाज ने चाय बनाई है, साथ ही ये चिप्स बनाए हैं और बस हम यहाँ पे करेंगे अपनी चाय एंजॉय। जो है नाइट का व्लॉग था। तो यहाँ पे जी मामा बना रही थी बिरयानी। बिरयानी तकरीबन बिल्कुल रेडी है, बस इसको जो है दम लगाना है, दम पे रखना है और बस हम लोग यहाँ पे करेंगे अपना खाना एंजॉय, अपनी बिरयानी एंजॉय। तो आप सब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में कीजिए याद। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई रूटीन के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जिस जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई रूटीन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।